क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है वो x वेरिएबल में दिया गया है, तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इस इक्वेशन में ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है और ये भी x वाली टर्म है, तो हम इन तीनों x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको एज इट इज यहां पर रख लेंगे, और जो ये माइनस 8x / 3 है ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको भी हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अब हम माइनस 5x / 2 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो जब हम माइनस 5x / 2 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5x / 2। अब हम लगा लेते हैं इज इक्वल्स टू। अब इस इक्वेशन में प्लस 7 एंड 17 by 6 ये दो कांस्टेंट टर्म है, हम इन दोनों कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की राइट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, 17 by 6 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है तो इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, और जो ये प्लस 7 है इसे लेफ्ट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस एक्स के नीचे कुछ भी नहीं तो यहां पर हम लगा देंगे 1। अब हम 1, 3 एंड 2 का एलसीएम लेंगे, 1, 3 एंड 2 का एलसीएम आएगा 6। अब हम इस एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6x जो हो जाएगा 6x, फिर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, और x है तो x भी लगा लेंगे, फिर आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, और x है तो x भी लगा लेंगे। तो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, इज इक्वल्स टू है, इज इक्वल्स टू लगा लेते हैं। अब यहां पर 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम लगाएंगे 1, 6 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 6, 6 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6 7 जब हो जाएगा 42। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में हमारे पास में है 6x माइनस 16x प्लस 15x, 6x भी प्लस का है, 15x भी प्लस का है, लेकिन 16x माइनस का है, तो हम सबसे पहले ये दोनों प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर लेंगे, तो 6x प्लस 15x हो जाएगा 21x, और माइनस 16x यहां पर है ये, और अपॉन में 6 भी है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 17 माइनस 42 अपॉन 6, 17 प्लस का है, 42 माइनस का है, और जब भी हमारे पास में एक नंबर प्लस का होता है और दूसरा नंबर माइनस का होता है तो हम उनको माइनस करते हैं, तो यहां पर भी हम माइनस करेंगे, तो हम 42 में से 17 को माइनस करेंगे तो आएगा 25। अब क्योंकि 17 एंड 42 में से 42 बड़ा है तो इनको सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा तो हम उसमें बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे, बड़े वाले नंबर का साइन है माइनस तो यहां पर हम माइनस लगाएंगे, और अपॉन में 6 तो है ये, तो यहां पर हमने 17 में से 42 को माइनस किया तो आया माइनस 25, और अपॉन में 6 तो है उसे लिख लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 21x में से जब हम 16x को माइनस करेंगे तो आएगा 5x, और अपॉन में 6 तो है ही है। अब राइट हैंड साइड में आते हैं, राइट हैंड साइड में है माइनस 25 अपॉन 6। अब देखिए, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर में 6 है, इसलिए हम इन दोनों साइड्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर भी 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा 5x और राइट हैंड साइड में रह जाएगा माइनस 25। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ में 5 मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इस इक्वेशन के दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर लेंगे जिससे हमें x ऑब्टेन हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, तो जब हम माइनस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 5, तो हमारा x आएगा माइनस 5।
चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमने जो ये सॉल्यूशन निकाला है x is equal to minus 5, वो इस इक्वेशन का सही सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम x is equal to minus 5 को पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, फिर हम x is equal to minus 5 को राइट हैंड साइड में पुट अप करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। अगर दोनों रिजल्ट सेम आया तो हम कहेंगे कि x is equal to minus 5 इस इक्वेशन का सही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए x is equal to minus 5 को लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है x plus 7 minus 8x upon 3। अब हम इस x की जगह पर minus 5 पुट अप करेंगे और इस x की जगह पर भी minus 5 पुट अप करेंगे, तब हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा minus 5 plus 7 minus 8 into minus 5 upon 3। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब माइनस माइनस जो हो जाएगा ये प्लस, और 85 जो हो जाएगा 40, और अपॉन में 3 तो है ही है। अब हम इस 2 के नीचे 1 लगा लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 2 जो हो जाएगा 6, और प्लस 40 तो है ही है। 40 प्लस 6 हो जाएगा 46, और अपॉन में 3 तो है ही है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया 46 अपॉन 3। चलिए हम राइट हैंड साइड को ऑप्टेन करते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड हमारा है 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2, 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। अब हम इस x की जगह पर माइनस 5 पुट अप करेंगे, तब हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा 17 अपॉन 6 माइनस 5, और x की जगह पर आएगा माइनस 5, और अपॉन में 2 तो है ही है, तब ये हो जाएगा 17 अपॉन 6 माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस, 5 5 जो हो जाएगा 25, और अपॉन में 2 तो है ही है। 6 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 17 जो हो जाएगा 17, फिर लिखेंगे प्लस, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 25 जो हो जाएगा 75। अब जब हम 17 में 75 को ऐड करेंगे तो आएगा 92, और अपॉन में आएगा 6। अब हम 2 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 92 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 46, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो हमारा राइट हैंड साइड भी आ गया 46 अपॉन 3। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए x is equals to minus 5 is the solution of given equation। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।